पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात भगवान मदमहेश्वर के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के बाद भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अपने धाम से रवाना होगी। विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीष देते हुए प्रथम रात्रि प्रवास के लिए गौंडार गांव में होगा। 24 नवंबर को भगवान मदेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली राकेश्वरी मंदिर रांची से प्रस्थान कर उनियारा, राउलैंक, बुरुआ, मनसूना यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीष देते हुए अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गिरिया गांव पहुंचेगी। 25 नवंबर को गिरिया गांव से प्रस्थान कर फापंज, सलामी, मंचोलचारी, ब्राह्मणखोली, डंगवारी होते हुए अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज कंडारी फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी नीरज जी, मदमहेश्वर के कपाट बंद कर दिए गए हैं जी, क्या है इसका धार्मिक महत्व? केदारों में दूसरे केदार हैं, भगवान मदमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। आज भगवान मदमेश्वर के कपाट से विधि विधान मंत्रोच्चार रुद्राभिषेक तमाम 2 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया, तो तमाम पूजाओं को संपन्न करने के बाद ठीक 8 बजे भगवान मदमेश्वर के कपाट बंद हो गए। वहीं अगर मैं रात्रि विश्राम की बात करूं तो आज पहला विश्राम गोंडार में होगा, कल रांची में होगा, पश्चिम दुनिया में होगा। 25 तारीख को भगवान अपने शीतकालीन गति स्थल जहाँ भगवान की पूजा होगी वो ओंकारेश्वर दूसरे मंदिर में आएंगे, वहाँ पे अगले 6 महीने की यहाँ पे पूजा होगी। और 25 तारीख यहीं पे भगवान मदमेश्वर का 3 दिवसीय मेला लगेगा, जिसको लेकर तमाम रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग, विजय जिला तमाम संस्थानों में काफी का माहौल है। जी नीरज चंडारी जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।